ये है जम्मू स्पेशल डोगरा स्टाइल सुंड। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सुंड बनाने के लिए हमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स चाहिए। उसमें हमने बादाम ले लिए हैं और हमने लिए है काजू, किशमिश, खजूर, इन्हें मैंने काट लिया है, नारियल, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, खरबूजे के बीज, चीनी पाउडर, देसी घी और सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर, यहां मैंने 2 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमने एक कटोरी के हिसाब से ले लिए है, एक ही मेजरमेंट की कटोरी ली है और हर इंग्रेडिएंट जो है एक कटोरी है। सिर्फ हमारी जो ड्राई जिंजर है ये हमारा 2 छोटी चम्मच है और मैंने लिया है गूंद कतीरा, ये लगभग 2 बड़े चम्मच गूंद कतीरा है। और हमें चाहिए नारियल, ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, ये ऑप्शनल है, आप इसे डालना चाहते हैं डालें, अदरवाइज इसके बगैर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में देसी घी डाल देंगे और अब हम इसमें बादाम डाल देंगे। इन्हें हमें लो फ्लेम पे ही कुक करना है। इन्हें 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। और अब हम इसी के अंदर काजू डाल देंगे और इन्हें भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब काजू इस तरीके से हल्के ब्राउन होने लग जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब हम इसमें खजूर डाल देंगे और इन्हें भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। अब बारी नारियल की और इसे भी इसी तरीके से, और अब हम इन्हें भी निकाल देंगे। और अब डालेंगे किशमिश और इसे भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम ऐसे साथ साथ चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा पक जाएंगे और खराब हो जाएंगे। और जैसे ये फूल जाए तो इन्हें बाहर निकाल लीजिए। इसमें डालेंगे गूंद कतीरा और इसे हम फ्राई कर लेंगे। और इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे सौंठ पाउडर और इसे हम इसी तरीके से थोड़ा हिला लेंगे। और साथ ही हम इसमें खरबूजे के बीज भी डाल देंगे और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। इसे हम धीमी आंच पे लगभग 2 मिनट रोस्ट करेंगे। और इसे भी निकाल के हम हमारे ड्राई फ्रूट्स वाले बोल में डाल देंगे। और अब हम हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स को एक मिक्स दे देंगे। और अभी हम वेट करेंगे इसके ठंडे होने का। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी पाउडर, क्योंकि अगर हम इसमें अभी चीनी पाउडर डालेंगे तो ये पानी छोड़ेगा, तो जब तक ये ठंडा होगा हमें वेट करना पड़ेगा। ये हमारा मिक्सचर जो है अब लगभग 90% ठंडा हो गया है और अब हम इसमें हमारा चीनी का पाउडर डाल देंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और आखिर में हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड कोकोनट। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालिए, इसके बगैर भी आपकी सुंड जो है बहुत अच्छी बनेगी। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारी सुंड जो है वो तैयार है। फ्रेंड्स,
आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए।